हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना अ डे इन माय लाइफ दिखाऊंगी। अभी मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गई हूँ। मुझे आज 2 रील शूट करनी है और उसके बाद फिर ड्रेस ऑल्टर देनी है, फिर शायद हम लोग कहीं घूमने भी जाएं क्योंकि अकेले घर पे क्या करूँगी। और बस इतना तो अभी काम है ही, तो आगे देखते हैं क्या होता है। और हाँ, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा लिप शेड दिखाती हूँ। एक्चुअली ना क्या हुआ, वो दीदी ने मंगाया था अपने लिए, बट उसने लगाया तो वो उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसको एकदम ही वॉश आउट कर दिया उसने। तो मैंने सोचा मैं तो उससे थोड़ा और डार्क कॉम्प्लेक्शन है मेरा, डस्की, तो मेरे पे तो और अच्छा नहीं लगेगा। बट मैंने कहा एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, नहीं अच्छा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब मैंने लगाया, ओ गॉड, वो इतना सुंदर लग रहा था। रुको मैं एक मिनट दिखा। ये वाला है वो लिप शेड, ये है स्विस ब्यूटी का बेयर 213 नंबर है। सॉरी, मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा हुआ था। कितना सुंदर लग रहा है यार, एकदम परफेक्ट न्यूड। मैंने अभी कोई भी मेकअप नहीं किया, कोई भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया, बस क्रीम लगाई है ना, क्या ही क्रीम लगाई और मैंने तुरंत ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। तो देख रहे हो एकदम ब्यूटीफुल सा पिंक लग रहा है, बिल्कुल न्यूड। तो इफ़ यू आर समवेयर अराउंड माई स्किन टोन तो आप भी ट्राई कर सकते हो, ये बहुत प्रिटी लग रहा है। और अगर थोड़ा सा आपको लगे कि वॉश आउट कर रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक लिप लाइनर लगा के उसके ऊपर से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं। ओ हाँ, और मैं आपको एक बात बताना भूल गई, हम लोग जा रहे हैं परसों घूमने, तो उसका भी ब्लॉग आएगा, ज़रूर देखना। और उसके लिए ना मुझे ना आईब्रो बनवानी है। देख लो कैसे ऐसे भालू टाइप हो रही है, तो ना मुझे आईब्रो बनवानी है, बट मेरे बहुत दर्द होता है, बहुत 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 ज़्यादा। तो मैं सोचूँ कि फेस रेजर से खुद ही बना लूँगी। एक दो बार बनाई भी हुई है मैंने, बट देखते हैं क्योंकि मैं तो नहीं करवा सकती थ्रेडिंग। हाय गाइस, आई एम बैक। तो अभी मैंने बस कपड़े चेंज किया और कुछ नहीं किया है, खाना लेके आ गई हूँ। एंड उसके बाद कल ना हम लोग एक मूवी देख रहे थे, मैं और दीदी, हम तुम, तो वो थोड़ी सी बाकी आधे घंटे की, मैं खाना खाते वो देखूँगी। गाइस, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं हम तुम देख लूँ, पर वो चल ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता इस टीवी में क्या दिक्कत है, कभी कभार इसके बटन अटक जाते हैं या ये अटक जाता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग, मैंने एक पराठा भी ख़त्म कर लिया जबकि मैं बहुत स्लो खाती हूँ, तो अब वो तो नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं, हम लोग आ गए हैं यूट्यूब मेरी जान है। मैं अगर मैं दिन में 2-3 घंटे यूट्यूब ना देख लूँ, मेरा दिन कंप्लीट ही नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे यूट्यूब और अब खाना अच्छे से खा पाएंगे। हाय गाइज वेलकम बैक। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, यूट्यूब देख लिया, अब मैं गाने लगाने वाली हूँ टीवी पे और मेकअप करूँगी, फिर वीडियो शूट करनी है रील, और अभी तो इतना ही काम है बस। चलो मेकअप करते हैं, अब आप देखोगे टाइम लैप्स। जी, मेकअप इज डन। सुंदर लग रही हो यार, काफ़ी प्रेटी। ठीक है, मेकअप हो गया है, अभी कपड़े चेंज करके आते हैं, लेट्स गो। हाय, कपड़े भी चेंज हो गए हैं, सेटअप कर लिया है पूरा, जिससे वीडियो रिकॉर्ड करनी है। दिखाती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखो, ओ गॉड, ये मेरा सेटअप है। जस्ट अभी मेरे पास ट्रैपॉड नहीं है तो इससे, और ये शर्ट का कलर कितना कूल लग रहा है भाई, आई एम लविंग इट। चलो अब वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड देन वील एडिट इट, क्योंकि आज ही अपलोड करनी है। शूट डन, एडिट भी कर लिया है, सेव ड्राफ्ट कर लिया है, तो बस अब अपलोड करना रह गया है। और मैं ना इतनी देर से बैठ के गोपाली को देख रही थी,
मुझे बड़ा मज़ा आता है यूट्यूब देखने में, तो मैं वो कर रही थी। और तो एक ट्रेनिंग बाकी है मेरी ऑफिस की, वो मैं अभी थोड़ी देर में कर लूँगी, आधा घंटा लगेगा। और मेरी ना दो ड्रेसेस आई है जो जहाँ मैं घूमने जा रही हूँ वहाँ के लिए मैंने मंगवाई थी, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। हाय गाइस, ये है फर्स्ट ड्रेस। यार ये प्रिटी तो बहुत लग रही है, लाइक एक्सट्रीमली एकदम मुझे ये H&M वाइब दे रहा है। ऐसा मैंने कभी तो H&M पे देखा, बट ये बहुत लंबी है मेरे लिए, लाइक बहुत लंबी है। सी, अरे मैं एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई। सी, ये मैंने क्लिप लगा के वैसे टाइट किया था, बट ये कितना ढीला, पता नहीं मतलब मुझे रखना चाहिए कि नहीं, यू टेल मी, यू गाइज टेल मी। ये है सेकेंड ड्रेस गाइज, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, ओ गॉड इट इज़ सो प्रिटी। ये एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि जब अंग्रेज़ों वाली वाइब नहीं आ रही है इसको देख के, एकदम मतलब फैंसी बर्गेडियन, कोई नेटफ्लिक्स पे शो आया था या कुछ आया था, एकदम वैसी सी फीलिंग नहीं आ रही है इसको देख के। क्या स्लीव्स है इसकी, लुक एट दिस टाई अप हेयर, ये वाला ऐसा, ये नेकलाइन, ओ गॉड ये कितना सूट कर रहा है। और इसके लिए मुझे कोई स्टिचिंग या देखो इसका तो लेंथ भी परफेक्ट है, कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सुंदर लग रही है, ये तो मैं रख ही रही हूँ, गॉड इट्स सो प्रिटी। यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग्स चल रही हैं और इधर मेरा ये यूट्यूब चल रहा है। खाना खा लिया है, ट्रेनिंग भी कम्प्लीट हो गई है, अब मुझे सारा ये जो मैस क्रिएट किया ना, ये देखो पीछे ये साफ़ करना है, और ये देखो ये भी साफ़ करना है, तो अभी बहुत सारा काम है। और उसके बाद हम जाएंगे शेक पीने, क्योंकि मैं डेली शेक पीती हूँ। और आई होप मेरी सैंडल आ जाए आज, यार प्लीज़ मुझे बहुत मन हो रहा है देखने का। चलो गाइज, अब हम तैयार हो गए हैं, हमको एक तो शेक पीने जाना है। कपड़े चेंज कर लिए मैंने, थोड़े से शॉर्ट्स पहने थे वो पैजामा पहन लिया, और क्या करने जाना था भूल गई, भूख इतनी ज़ोर से लग रही है कि भूल गई हूँ क्या करने जाना था। हाँ, एक तो शेक पीने जाना है, हाँ, और ये सामान लेना है स्टिचिंग के लिए, स्टिचिंग नहीं मतलब थोड़ा सा फिटिंग होना है उसका बस। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। प्लास्टिक कम करना है, हाँ प्लास्टिक कम कर दी, अच्छी खासी कम होगी, इतना तो हो, इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक है ना तो फिर तो खींच ही जाएगा, तो आप ज़्यादा थोड़ा सा कर देना। ठीक है, तो कब शाम को ले, हो कल ले लूँ ना, कल ठीक है। गाइज, मेरी बहन ना इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, अभी बोलती कि तुम कहाँ पे हो, मेरे ना भैया मतलब कोरियर वाले भैया आए हैं, उनको वो एक्सचेंज कराना है हील्स, उसने कोई मंगवाई थी तो वो हील्स उनको दे दो, वो तुमको देंगे। तो मैंने कहा अभी, तो मैंने कहा मैं तो शेक पीने जा रही हूँ, बोलती अभी दे दो जाके। तो मैं वापस आने लगी, अब मैं वापस आ रही थी तो बोलती कि अच्छा रहने दो, उनको मैंने बोल दिया 10 मिनट बाद जाना, अब मैं फिर जा रही हूँ वापस शेक पीने। हद पीपल, डम पीपल। एक मैंगो शेक स्मॉल, और इलाइट वो जो किशमिश होती है ना वो ज़्यादा डालिएगा। बहुत बोर हो गई थी ऐसे रूम में बैठे बैठे पूरा दिन, तो मैं ना थोड़ा वॉक पे आ गई, और वॉक पे मैं अपने ईयरफोन नहीं लेके आई, तो लेकिन वॉक पे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे पेड़ पौधों के बीच कभी कभार ऐसे अच्छा लगता है ना, शांति टाइप, बहुत सुंदर सा भी है ये, साइड में लेन बना हुआ है, तो थोड़ा दिमाग भी शांत हो रहा है। अगर गाने चल रहे होते तो फिर उसमें दिमाग लग जाता, बट
ऐसे मैंने डीप ब्रीदिंग टाइप भी करी तो अच्छा लगा। जब हम लोग आ गए वॉक करके, दीदी ने कुछ तो आजियो से मंगवाया था जो बाहर रखा हुआ था नीचे, तो मैं उठा के ले आई हूँ। अब देखते क्या मंगाया है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि दीदी के कपड़े मैं भी पहन लेती हूँ। मतलब वैसे तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है देखने में, बट मैं पहन लेती हूँ। सेट हो जा प्लीज। ओह गॉड, लैपटॉप पे बैठ गई मैं। शिट, ओह गॉड, एक ही चीज के चार पांच साइज मंगवा लिए नहीं और भी यार। की लेट्स सी क्या क्या है। This is a top. Nice. ठीक है, मतलब it is okay. ये सुंदर लग रही है ड्रेस। It's so pretty. और ये क्या यार, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छी लग रही है। इसका साइज क्या यार, ये दीदी ने अपने साइज में मंगाई ताकि मैं पहन ना पाऊँ मीडियम, बट ये बहुत प्रिटी लग रही है मुझे तो। पहन तो मैं तब भी लूँगी। अब मैंने फिर सब फैला दिया। सी, ऐसे ही हो सकता है, बस ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी। अब मैं समेटूँगी नहीं क्योंकि दीदी आके ट्राई तो करेगी, उसके बाद हम साफ़ कर देंगे। तो मैं सोचूं आज तो मैं आईब्रो शेव नहीं करने वाली हूँ, जो मैंने सोचा था कल पक्का कर लूँगी। वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा कि मैं कल पक्का कर लूँगी। अभी मैं सोचूं कि आई शुड टेक माय मेकअप ऑफ एंड जस्ट क्लीन माय फेस, फिर थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं या फिर दीदी के आने का वेट करते हैं, पहले मुँह धो लेते हैं एक बार। एंड वील डांस थोड़ा सा, बहुत ऐसे अजीब सा फील हो रहा है तो वील डांस। बोरो लिप गाइस, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है फॉर लिप्स। मैं इसी को लगा रही हूँ हमेशा से। मतलब लिनेज वाला अच्छा है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। और जॉब, ओ गॉड, मेरी तो ड्राई स्किन है, इतना बढ़िया काम करता है ना यार, लव इट। स्किन केयर इज डन गाइस, चलो खोलते हैं, देखिए क्या आया। पहले मैं ज़रा मोबाइल सेट कर दूँ ताकि तुम लोग को भी दिख पाए। ओ गॉड, कि क्या आया है, कैसी लग रही है मेरी शक्ल भाई। ओ गॉड, कितनी सारी ये चीज़ें दिखाई है ना मैंने इस ब्लॉग में, बट आई जस्ट होप कि ये अच्छा आया। It is looking very काफ़ी अच्छा, काफ़ी ही अच्छी लग रही है मुझे। एंड ये तो मैंने ये प्लेटफॉर्म ही इसलिए मंगाया बिकॉज आई जस्ट कांट वेयर हील्स, क्योंकि मेरा बहुत दर्द होता है हील पहन के, मेरी कमर टूट जाती है। एंड आई होप इससे नहीं होगा। गॉड, कितने सुंदर लग रहे भाई यार, सुंदर ही सुंदर। थोड़े मेरे ढीले हैं यहाँ से, सी थोड़ा ढीला है, बट इट्स ओके। अब इतना उतना ढीला तो मेरे आता ही है सब कुछ, थोड़ी हाइट लंबी करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। हाय गाइस, लेट्स एंड द वीडियो हेयर, टुडेज व्लॉग इज डन। और अब मैं एडिटिंग करूँगी इस व्लॉग की बैठ के। अभी मैंने खाना नहीं खाया, खाना मैं दीदी के साथ ही खाऊँगी,
वो अभी आई भी नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, देन वील वॉच समथिंग सारा भाई और समथिंग, हम लोग सारा भाई ज़रूर देखते हैं एक दिन में, और उसके बाद वी विल स्लीप, फिर कल का व्लॉग भी तो देखना है, सो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओ गॉड ये कैसे बोलते हैं फिर से, ओके आई जस्ट वॉन्टेड टू से अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, बिकॉज इट वॉज़ अ सोलो व्लॉग, कोई और आपको दिखानी होगा तो, मतलब जैसे मैं पूरा दिन रहती हूँ आजकल वैसे मैंने दिखाया आपको, अगर आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही व्लॉग्स और चैलेंजेस और देखने हो तो ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और हम मिलते हैं कल, क्योंकि अब मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं डेली व्लॉग करूँगी और चैलेंजेस भी होंगे दीदी और भाई के साथ, सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, ओके बाय, सब्सक्राइब।